आरडीएक्स यानी रॉबर्ट डॉनी और जेवियर की टिकड़ी का धमाकेदार एक्शन। एक चर्च फेस्टिवल के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बदले में डॉनी के घर पर बदमाशों की एक पूरी टोली हमला बोल देती है। हमला इतना ब्रूटल होता है कि बूढ़े पिता, महिलाओं और दूध पीते बच्चे तक को भी बख्शा नहीं जाता। घटना की खबर मिलते ही भाई रॉबर्ट और दोस्त जेवियर डॉनी से आ मिलते हैं। जाहिर है हमले के पीछे फेस्टिवल में हुई मामूली कहासुनी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ था। फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में इसी मिस्ट्री को अनवेल करती है और सेकंड हाफ में आते हैं दो बहुत ही सॉलिड एक्शन सीक्वेंसेस, एक बदमाशों के मोहल्ले में और दूसरा हॉस्पिटल में, जो पूरी तरह से पैसा वसूल है। दरअसल इन दिनों मलयालम फिल्में बहुत ही रियलिस्टिक और कंटेंट ड्रिवन हो चली हैं। ऐसे में आरडीएक्स जैसी एक मास एंटरटेनिंग एक्शन फिल्म ताजगी का झोंका बनकर आई है मलयाली दर्शकों के लिए। शायद यही वजह रही होगी कि इस ओणम रिलीज फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि बिसाइड्स द एक्शन एंटरटेनमेंट वैल्यू, फिल्म कुछ नया ऑफर नहीं करती है। तीनों हीरोज के एक्शन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने के लिए उनका जो कराटे कनेक्शन दिखाया है वो कहानी को बिलीवेबल बना देता है। शेन निगम सबसे ज्यादा प्रभावी लगे हैं, तो वहीं फाइनली नीरज माधव को एक मीटी रोल मिला है इस फिल्म में। शेन हर फिल्म के साथ कुछ नया, कुछ अलग करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, उनमें वाकई क्षमता है एक बड़ा स्टार बनने की। एंथनी वर्गीस सहित बाकी कलाकारों का काम भी इम्प्रेसिव है। सैम सीएस का म्यूजिक और बीजीएम फिल्म की जान है। आरडीएक्स अपने नाम अनुसार एक एक्सप्लोसिव फिल्म है, जिसे फिल्म की बात की रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार्स की।